सुप्रभात कक्षा पांचवी। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ सार शीर्षक सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब जहाँ पर हम संज्ञा शब्द लिखते हैं उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या होता है, जब हम कभी पांच छह लाइन लिखते हैं और उस पांच छह लाइन में बार 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 एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर हम बीच बीच में सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करें तो क्या होगा, हमारी जो भाषा होगी सुंदर और प्रभावशाली बन जाएगी। इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, मेरा आदि। सर्वनाम के छह प्रकार हैं, अर्थात सर्वनाम के जो भेद हैं वो छह हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अंतिम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष स्वयं हमारे अपने के लिए होता है। जिन शब्दों का प्रयोग हम स्वयं अपने लिए करते हैं वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, स्वयं, अपने आप, जिन शब्दों का प्रयोग हम स्वयं अपने लिए करते हैं वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। और जो मध्यम पुरुष, उत्तम का मतलब क्या होता है, वक्ता, बोलने वाला। बोलने वाला व्यक्ति जो अपने लिए शब्द का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुष, श्रोता, सुनने वाला। सुनने वाले के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है कि अन्य, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है अनुपुरुष। उत्तम जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं और मध्यम श्रोता, श्रोता लोगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और अन्य, दूसरे अन्य लोग जिनके लिए, जैसे वे, वह, इन शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं वो अनुपुरुष में आ जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला क्या आ जाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष। तो जैसे है मैंने स्वयं अपना गृह कार्य कर लिया। और हम कल घूमने जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो, वे खेल रहे हैं। इस प्रकार से इसके वाक्य बनाए जाते हैं। अब दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जिसके बारे में हमें निश्चित, एकदम सही कोई बात पता हो, निश्चित पता हो, वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कैसे पद आते हैं, यह, वह। जैसे हमने लिखा यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, ये क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। यह आप देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या शब्द आ रहा है, यह। तो यह मेरी पुस्तक है, ये बात एकदम निश्चित है कि वह मेरी
से हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित होने का नाम पता चले वो कहलाता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। कैसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम के क्या शब्द होंगे? कुछ, कोई, कुछ, कोई, कुछ और कोई ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें कुछ भी निश्चित होने का पता नहीं चलता। जैसे एक ग्लास पानी में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा वो हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे? ग्लास में कुछ है, कुछ है, कोई भी चीज हो सकती है, अब पता नहीं क्या चीज है और निश्चित नहीं वो कौन सी चीज है, इसलिए ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। कोई, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बाहर कोई आया है, बाहर आप गए, आपने उसे कभी देखा नहीं है, आप पहचानते नहीं हो, तो आप अंदर आके अपने मम्मी या पापा से क्या करोगे? कहोगे कि बाहर कोई आया है। कोई आया है मतलब कोई कोई भी हो सकता है, उसमें पता नहीं कि वो है कौन, निश्चित नहीं कि है कौन, तो कोई आया है। तो ये हो गया आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिससे यह कहेंगे बाहर कोई खड़ा है। तो कोई शब्द ऐसा है जिससे हमें निश्चित पता नहीं चल पा रहा है कि वो है कौन, ये हो गया अनिश्चित। इसके बाद आप आ गए चौथे नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम कब आए, तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं हुआ किया, कब क्यों, तुम कब आए क्यों, तुम कल क्यों नहीं आए, तुम कल क्यों नहीं आए आए। और प्रश्नवाचक के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा, इसी से हमें समझ में आएगा कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कल क्यों नहीं आए, कब, क्यों, कैसे, क्या, किस लिए, ये प्रश्न सूचक शब्द है। इन शब्दों से ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसके बाद आता है संबंध वाचक सर्वनाम। तो अब संबंध वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से एक दूसरे के बीच के संबंधों का पता चले वो संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप सुनते होंगे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो और वो दोनों के बीच में क्या हुआ? संबंध। जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो करोगे भरोगे जैसा वैसा इन दोनों के बीच का संबंध है कि आप जैसा करेंगे वैसा आप भरेंगे। जो वो, जो वोगे वो पाओगे, जैसा वोगे वैसा ही पाओगे। तो ये जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से आपस के संबंध का पता चले वो क्या कहलाता है? संबंध वाचक सर्वनाम। अब सबसे अंतिम आपका सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या पढ़ा है आपको? निज मतलब क्या है? निज मतलब अपना, स्वयं का। तो जिन शब्दों में स्वयं, खुद, अपने आप ये शब्द जिसमें आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो निजवाचक सर्वनाम का है। क्योंकि आप देखते हो कि स्वयं ये हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, खुद ये भी हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपने आप ये भी हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। निज, निज मीन्स अपना। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम स्वयं अपने लिए करते हैं, जिस सर्वनाम शब्द का, वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे क्या है? स्वयं, हमने इसका क्या वाक्य बनाया? मैंने स्वयं गृह कार्य कर लिया, मैंने स्वयं गृह कार्य, गृह कार्य कर दिया।
अपने आप, मैं अपने आप स्कूल चली जाती हूँ। तो ये हुए निज निजवाचक सर्वनाम। जैसे हमने आपको बताया स्वयं, खुद, अपने आप, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं हम अपने लिए करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपने इस पाठ में सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं इसके बारे में आपने पढ़ा उदाहरण सहित। अब आप इस सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकारों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।